हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 24 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 25 नंबर का मॉडल पेपर है, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 24 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकेंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 25। सर्वप्रथम अपन पॉलिटिकल साइंस के 20 प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण यानी कि कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 249। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेकेंड नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, बताइए भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई तो यह कब की गई थी? आप सभी को पता ही होगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों ये प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, और इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, दोस्तों बिल्कुल सही है। 52वां संशोधन हुआ था उसमें दल बदल निरोधक कानून लाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। 84वां संविधान संशोधन, दोस्तों यहां पे केंद्र राज्य संबंध है वो यहां पर गलत दे रखा है। दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था और इसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाने की बात करता है ये। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर केंद्र राज्य संबंध है यह गलत दे रखा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरारजी देसाई। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ये दोस्तों इनका जो संबंध है वो दोस्तों जनता पार्टी से था। ठीक है, और इनका कार्यकाल है वो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979, यानी कि दोस्तों मात्र और मात्र लगभग 2 साल इनका कार्यकाल है वो रहा है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 29। दोस्तों अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों देखिए क्या है अनुच्छेद 29 के अंदर, देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि अथवा संस्कृति को पूर्ण बनाए रखने का अधिकार देता है ये। ठीक है, और एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 30।
अल्पसंख्यकों से संबंधित दो अनुच्छेद हैं, ठीक है, एक तो 29 और एक 30। 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहां पर अपना दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 79 स्थान है वो आरक्षित है। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 79, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, बताइए स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें जी वी मालवंकर। पूरा नाम मैं बताऊं आपको तो दोस्तों गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जो 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो दोस्तों ये शिक्षा का अधिकार है ये कौन सा अधिकार है, तो दोस्तों ये मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार है। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, उसमें ये बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यहाँ पे 1976 कर लेना, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 के भाग 4 जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सही बात है साहब, किया गया। आगे देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य की वृद्धि कर दी गई, अब कुल 11 हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें शिक्षा का अधिकार की बात कही गई थी, उसको मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों में शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दूसरा भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, मूल कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान का निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, भारत के संविधान का निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए अनुच्छेद 19(1)(क), ठीक है, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ये अनुच्छेद, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, बताइए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। अगर 10% सदस्य है तो दोस्तों विपक्ष की मान्यता है वो दी जा सकती है, अगर उससे कम है तो नहीं दी जा सकती। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की जो स्थापना है ये दोस्तों की गई तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है, दोस्तों 1919 के अधिनियम को अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, और
दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो राष्ट्रपति सौंपेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति सौंपेगा किसको, राष्ट्रपति को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा दोस्तों। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। दोस्तों राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है, एक राज्य का राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करता है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, कौन सा अनुच्छेद है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको हटाने को ये विवेचित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद करता है अनुच्छेद 75, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 370 है ये हटा दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ वाला यूपी, ठीक है, जहां पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं 80। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूपी। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया, कहां पर किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में, दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1915 में ये लौटे थे, 1915 में ये लौटे थे, ठीक है, जनवरी 1950 में ये भारत लौट आए थे। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से किस एक कृति में आधुनिक मशीनोन्मुखी सभ्यता की आलोचना मिलती है, महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से किस एक कृति में आधुनिक मशीनोन्मुखी सभ्यता की आलोचना मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हिंद स्वराज की। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, हिंद स्वराज, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सी धारा है वो कहां बहती है और कौन सी गर्म है या कौन सी ठंडी है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए गल्फ स्ट्रीम, दोस्तों गल्फ स्ट्रीम ये एक गर्म धारा है, क्या है, गर्म धारा है ये गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और देखिए बेंगुला धारा, बेंगुला धारा है ये दोस्तों कहां चलती है, तो दोस्तों ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये बेंगुला धारा है ये चलती है, तो ये 2 से कनेक्ट हो जाएगा। पेरू धारा, दोस्तों पेरू धारा है ये प्रशांत महासागर में चलती है, ठीक है, प्रशांत महासागर में। और देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है ये दोस्तों हिंद महासागर में चलती है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 1, 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अलनीनो संबंधित है, तो दोस्तों ये अलनीनो किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों भारतीय मानसून से, किससे संबंधित है, भारतीय मानसून से संबंधित है ये अलनीनो। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती।
क्योंकि बताइए, क्योंकि कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती, इसकी वजह से दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण है वो नहीं करती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो नर्मदा, सोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में नंबर आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद में नंबर आता है राजस्थान का। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय स्तर पर सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है, भारतीय स्तर पर सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रथम स्थान है, तो ये दोस्तों प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये डेनमार्क के अधीन है वर्तमान में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किस वर्ष की गई, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये 1885 में की गई थी, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यूरोप। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यूरोप व दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में मैदानी भाग का जो विस्तार है वो अधिक है, लेकिन प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, सवाना बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सवाना। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन थी, बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी या कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयलक्ष्मी पंडित। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयलक्ष्मी पंडित वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय और प्रथम महिला थी। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के का कारण नहीं है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सहकारी खेती। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहकारी खेती, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी 3 है। आगे देखिए, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें सिडबी, कौन सा है, सिडबी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिडबी, छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों के संबंध में करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मेरियाना खाई क्या है, बताइए, यानी कि मेरियाना ट्रेंच क्या है, बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरियाना खाई है ये क्या है, तो ये महासागर का सबसे गहरा भाग है, महासागर का यानी कि मेरियाना ट्रेंच है, ये महासागर का सबसे गहरा भाग है जो प्रशांत सागर में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, मेरियाना ट्रेंच है,
ठीक है, इसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर इसकी गहराई है। तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है, चीनी उद्योग सबसे अधिक कौन से राज्य में विकसित है, यह विकसित है दोस्तों महाराष्ट्र में। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में यह स्थित है। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नवरत्न का विचार संबंधित है, नवरत्न का विचार संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक तौर के उपक्रमों को 3 भागों में बांटा गया है, एक मिनी रत्न योजना, एक नवरत्न योजना और एक महारत्न योजना। ठीक है, याद रखना, तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना है, तो बाल लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में बताना है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं शहरी की बात करूं तो शहर में है 905 और ग्रामीण में है 923 बाल लिंगानुपात। तो यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 40 नंबर का प्रश्न, प्राचीनतम यानी कि प्राचीनतम गुहा चित्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, दोस्तों प्राचीनतम जो गुहा चित्र है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये हाड़ोती क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संत पीपा की गुफा कहाँ है, दोस्तों संत पीपा की जो गुफा है ये कहां पर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संत पीपा की गुफा है ये टोडा ग्राम टोंक में है, कहां पर है टोडा ग्राम टोंक में है दोस्तों संत पीपा की गुफा, और इनकी जो छतरी है वो गागरौन झालावाड़ में है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गुफा का नाम गुफा पूछिए कहां पर है, तो ये टोडा में है, तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों वो है हमसिडो। हमसिडो ये एक भीलों का लोकगीत है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाया जाता है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हमसिडो। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, बताइए वह वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित जातियों या जनजातियों पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित कीजिए, निम्नांकित जातियों जनजातियों व पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गैर नृत्य दोस्तों, ये गैर नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो ये भील जनजाति का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य ये दोस्तों शेखावाटी के बावरिया समाज के लोगों के द्वारा एक कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। संकरिया नृत्य है ये एक कालबेलिया नृत्य है, बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य है ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 तो है ही नहीं, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वह है जानकीलाल भांड, ठीक है जानकीलाल भांड, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान समुद्र बावनी 12 अष्टक सवैया सुंदर विलास आदि किस संत की श्रेष्ठ रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये तो आपको आना भी चाहिए। ज्ञान समुद्र
बावनी, बारह अष्टक, सवैया, सुंदर विलास आदि किस संत की श्रेष्ठ रचनाएं हैं? सुंदर विलास से आपको याद आ गया होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर संत सुंदरदास होगा। यहां पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, पर्युषण पर्व जैनियों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? पर्युषण पर्व जैनियों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये मनाया जाता है भाद्रपद माह में। यहां पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाद्रपद माह में। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ घोड़ा है, अपने को सुमेलित करना है कि कौन से लोक देवता का घोड़ा है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए रामदेव जी, ठीक है रामदेव जी, रामदेव जी के घोड़े का जो नाम है वो क्या था? वो था दोस्तों लीला। ठीक है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहां पे देखिए रामदेव जी की जो घोड़ी है, अपन कहते हैं नीले घोड़े रा अश्वार। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे रामदेव जी का जो घोड़ा है वो लीला था। ठीक है, नाम लीला था उसका। ठीक है, और मेहाजी, मेहाजी का जो प्रिय घोड़ा था वो था दोस्तों किरण काबरा। कौन सा था? किरण काबरा। ठीक है, और देवनारायण जी, देवनारायण जी का जो घोड़ा है वो है दोस्तों लीलागर था। कौन सा था? लीलागर। और गोगा जी, गोगा जी का था दोस्तों इसमें नीली घोड़ी। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 यानी कि अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूफ क्या है, बताइए सूफ क्या है? तो सूफ दोस्तों एक प्रकार का कसीदा है। सूफ क्या है? एक प्रकार का कसीदा है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कपड़े के पीछे से तुरपाई की जाती है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए आगरा का ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल तथा दयाल बाग मंदिर किस पत्थर से बने हैं? आगरा का ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल तथा दयाल बाग मंदिर किस पत्थर से बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पत्थर से, कौन से पत्थर से बने हैं? तो ये मकराना के संगमरमर से बने हैं। तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऊन का घाघरा किस जाति की महिलाएं पहनती है? ऊन का घाघरा किस जाति की महिलाएं पहनती है? राइट आंसर हो जाएगा, बिश्नोई जाति की महिलाएं हैं वो ऊन का घाघरा पहनती है। तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिश्नोई जाति की स्त्रियां हैं वो ऊन का पट्टीदार घाघरा पहनती है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से मशहूर जिन्होंने कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की? बागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से मशहूर जिन्होंने कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें गौरीबाई। तो ये एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गौरीबाई। ठीक है, याद रखना। देखिए डूंगरपुर की गौरीबाई की कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें वांगड़ प्रदेश की मीरा भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वह या वाद्य यंत्र जिनका निर्माण सिंह से किया जाता है, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सिंह से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंगी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगी। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण की एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल करते हुए राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण की एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल करते हुए राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, तो वो नृत्य कौन सा है? वो है दोस्तों डांग नृत्य। कौन सा है? डांग नृत्य। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए जो ये डांग नृत्य है ये राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यहां पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ है रामदेव जी के मंदिर और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य या क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए रुणेजा का मंदिर है वो रामदेव जी का मंदिर है, आप सभी को पता है, और ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर रामदेवरा में है।
देखिए बराठिया का मंदिर, ये भी रामदेव जी का मंदिर है, और ये कहाँ पर है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो दोस्तों ये बराठिया का जो मंदिर है ये अजमेर में है, रामदेव जी का है, ठीक है। छोटा रामदेवरा, दोस्तों छोटा रामदेवरा है ये कहाँ पर है? दोस्तों छोटा रामदेवरा गुजरात में है, कहाँ पर है? गुजरात में। और रामदेव धाम सुरताखेड़ा, रामदेव धाम सुरताखेड़ा ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143, इस प्रश्न का राइट आंसर 2143, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सी नंबर का ऑप्शन कर लीजिए, 2143, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का वह मंदिर जिसके अंदर पत्थर का एक विशाल विमान बना हुआ है जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। राजस्थान का वह मंदिर जिसके अंदर पत्थर का एक विशाल विमान बना हुआ है जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें रमा वैकुंठनाथ मंदिर, रमा वैकुंठनाथ मंदिर। तो यहां पर अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रमा वैकुंठनाथ मंदिर, ठीक है। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है। देखिए 1570 ईस्वी अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष में कौन से किले का निर्माण करवाया था? 1570 ईस्वी अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष में कौन से किले का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर का दुर्ग अजमेर का, ठीक है। यहां पर अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, जिसको अपन अकबर का दौलत खाना या अकबर का मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जयसिंह के दरबारी कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य में कल्कि अवतार का उल्लेख किया है, यह कल्कि अवतार का कल्कि मंदिर कहाँ है? बताइए, जयसिंह के दरबारी कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य में कल्कि अवतार का उल्लेख किया है, यह कल्कि अवतार का कल्कि मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे पुराना जैन मंदिर कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना जैन मंदिर कौन सा है? तो ये मंदिर है दोस्तों महावीर जी का मंदिर, यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महावीर जी का मंदिर। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रामपुरिया हवेलियाँ कहाँ स्थित है? रामपुरिया हवेलिया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर अपना तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, दो मोर तथा नौ मोरनिया किस वाद्य यंत्र में होती है? दो मोर तथा नौ मोरनिया किस वाद्य यंत्र में होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये कामायचा में होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखना ये। और जो ये कामायचा है ये ढाई फुट लंबा ईरानी वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो गज की सहायता से बजता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास है ये राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? ये संबंध है दोस्तों जोधपुर से। तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर से है कागा की छतरियों का संबंध, तो यहां पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति का उल्लेख है दोस्तों मत्स्य पुराण में, तो यहां पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे पिछड़ा जिला है वो है दोस्तों प्रतापगढ़। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर दो नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सबसे पिछड़ा जिला पुरुष साक्षरता में प्रतापगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? बताइए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहर से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है?
तो दोस्तों वो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-15। कौन सा है? NH-15। और NH-15 को दोस्तों नया नाम दिया गया है NH-68, NH-11 और NH-62। ये तीन नाम दिए गए हैं दोस्तों NH-15 को, ये नए नाम है। ठीक है, यहां पर इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, लूणी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। चंबल एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, राष्ट्रीय की जगह काट लीजिए, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कोठारी, खारी, बेडच, गंभीरी, मानसी, ढूंढ तथा मोरेल बनास की सहायक नदियां हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है इसमें। और देखिए, इसमें माही नदी चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ की सीमाओं को अलग करती हुई कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 2 जिलों में ही बहती है, ठीक है, और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये इसमें बिल्कुल सही है। और इसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चांप, मोरेन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है 4 नंबर का। आगे देखिए, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो दोस्तों ये कहाँ पर उपलब्ध है, तो ये दोस्तों भीलवाड़ा में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, एशिया की सर्वश्रेष्ठ जस्ता व सीसा का भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अंगुचा में मिलता है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामपुरा अंगुचा में। 69 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित पशु मेलों का उनके जिलों को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित पशु मेलों का उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ पशु मेला है, दूसरी तरफ जिला है, एक तरफ पशु मेला, दूसरी तरफ जिला है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला है, ये कहाँ आयोजित होता है, ये आयोजित होता है दोस्तों करौली में, कहाँ पर है, करौली में। और गोमती सागर पशु मेला, ये आयोजित होता है दोस्तों कहाँ पर, तो ये झालावाड़ में आयोजित होता है। भैरोड पशु मेला, ये दोस्तों अलवर में आयोजित होता है। और जसवंत पशु मेला है, ये दोस्तों भरतपुर में आयोजित होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से बेमेल युग्म को ज्ञात कीजिए, निम्न में से बेमेल युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर, गलत दे रखा है दोस्तों, कौन सा जिला है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये सही होता। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म है, ये बेमेल है। सेवन घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर, ये भी सही है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, बताइए, विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना, भरतपुर, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ है लिफ्ट परियोजना, दूसरी तरफ है जिले, अपने को बताना है कि कौन से लिप्टन नहर है वो कौन से जिले में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कमरसेन लिप्ट नहर, कमरसेन लिप्ट नहर, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। ठीक है, गंदेली साहिब लिप्ट परियोजना, ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों चूरू में। और राजीव गांधी लिप्ट नहर, ये जोधपुर में है। और गजनेर लिप्ट परियोजना, ये नागौर में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर दे रखा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के किस भाग की मिट्टियाँ लवणों से अधिक प्रभावित है,
राज्य के किस भाग की मिट्टियां लवणों से अधिक प्रभावित है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए राज्य के पश्चिमी भाग की मिट्टी, राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी, राज्य के पूर्वी भाग की मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के पश्चिमी भाग की मिट्टी। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कथनों में से। दोस्तों देखिए इंदिरा गांधी नहर को हरिके बैराज बांध तथा पोंग बांध से जल मिलता है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में मसीतावाली से होता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए तीसरा, इस नहर की लंबाई 1050 किलोमीटर है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है 649, 1050 है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। इस नहर की आधारशिला 31 मार्च 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना था, तीन नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है दोस्तों सीखना, ठीक है, और सीखना विकास की ही प्रक्रिया है, तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, जो शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है, बताइए वह किससे प्रभावित है, तो दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित है, तो यहां पर अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो दोस्तों बताइए यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है किशोर के आगे, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, तो यहां पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दोस्तों शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है, इसका तात्पर्य यहां पर तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, बताइए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है, तो दोस्तों यहां पर आएगा देखिए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है, यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आगे देखिए शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, बताइए शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, बालक की मांग रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी, दोस्तों 2 वर्ष छोटा है कौन, रमेश अंकित से, ठीक है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है तो सीधा सा हो गया 10 वर्ष का हो गया, तो दोस्तों इसका सूत्र है वो आप निकाल सकते हैं, दोस्तों एक सूत्र है जिस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो दोस्तों IQ बराबर MA / T = 100, ठीक है,
ये सूत्र है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 120 है, ठीक है। और दोस्तों रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो रमेश की जो मानसिक आयु है, सॉरी वास्तविक आयु है, वो कितनी है, तो दोस्तों वो है 10 वर्ष। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर 12 आ गया। तो 12 वर्ष है वो दोस्तों इसकी मानसिक आयु होगी रमेश की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोहलबर्ग द्वारा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, कोहलबर्ग द्वारा। आगे देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरों के साथ लड़ना, दूसरों के साथ लड़ना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। आगे देखिए, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों क्रो एंड क्रो के द्वारा ये दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है, तो दोस्तों संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, बताइए अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्र सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अग्र सक्रिय। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि दोस्तों सीखने की क्षमता है, ठीक है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही सही है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए मौलिकता है, प्रवाह है, मितव्यता है, लेकिन उपयोगिता है, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिससे क्या होगा वे एक दूसरे से प्रश्नों को सीख सके, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के नियम दिए हैं, सीखने के नियम दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस पूर्व भाजपा सांसद का हाल ही में निधन हो गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिओम सिंह राठौड़ का हाल ही में निधन हो गया, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी 351 फीट ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है,
ये स्थापित की जा रही है दोस्तों नाच द्वारा में। तो यहाँ पर चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाच द्वारा में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, ये उदयपुर में है। चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में प्रस्तावित डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट से संबंधित जिले हैं, तो डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट से संबंधित जिले हैं तो वो है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो यहाँ पर अपना एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।